होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि साल 1943 में एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक वॉरशिप गलती से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट होकर तबाही मचाने लगता है, जिससे अब पूरे यूनिवर्स का स्पेस टाइम टूटने का खतरा है। तो क्या वैज्ञानिक मिलकर इस शिप को फिर से उसके रियल टाइम में वापिस भेज पाएंगे और यूनिवर्स को बचा पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक बड़ी बिजनेस वूमन कैथरीन से होती है, जो कि अभी अपने सीक्रेट रिसर्च सेंटर आई है, जहां रिसर्च सेंटर का हेड रिचर्ड पहले से उनका वेट कर रहा था। अब रिचर्ड कैथरीन को बताना शुरू करता है कि कैसे उनका एक्सपेरिमेंट अब सफल हो चुका है और शायद से ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। अब यहाँ वो कैथरीन की कार से ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाने लगता है और अब मशीन के शुरू होते ही कैथरीन की कार अचानक से गायब होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद वो फिर से वापस भी आ जाती है। रिचर्ड कहता है कि उन्होंने इनविजिबिलिटी को डिस्कवर कर लिया है और कैथरीन भी इससे काफी इम्प्रेस थी। तभी उनके पास कोई अनजान सा मैसेज आने लगता है। वहीं दूसरी ओर ठीक इसी वक्त एक छोटा प्लेन रनवे से टेक ऑफ करने ही जा रहा था कि पायलट पाता है कि अब अचानक से ही एयर स्पेस में एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्टल खुल गया है और उससे एक बड़ी बैटलशिप टेलीपोर्ट होकर आ गई है, जिससे वो प्लेन टकरा जाता है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है। और इसी बैटलशिप का रेडियो सिग्नल उसी लैब में जा रहा था, जिसे सुन दोनों ही रिचर्ड और कैथरीन हैरान थे। अब यहाँ से हमें मोली गार्डनर दिखाई जाती है, जो कि एक कैफे ओनर के लिए काम करती है और उसका एक फियोंसे रीड भी है, जो कि पुलिस में है। अब रीड मोली से मिलने आया ही था कि उसके पास कंप्लेन आने लगती है कि उसे जल्दी से एयरफील्ड पर जाना होगा, जहां कोई बड़ी बैटलशिप अचानक से एक पोर्टल से आ गिरी है। सो रीड जल्दी से वहीं जाने के लिए निकलने लगता है और मोली उसे गुड लक बोलती है। वहीं रिचर्ड लैब में कैथरीन को बताता है कि दरअसल जो इनविजिबिलिटी वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने आज किया है, इसके लिए उन्होंने फेजिंग मशीन का सहारा लिया है और ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट 1943 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी किया गया था, मगर आज वे सफल रहे हैं। तभी एक असिस्टेंट आकर उन्हें बताती है कि उन्हें पता चल गया कि वो रेडियो सिग्नल कहाँ से आ रहे थे। दरअसल वे सिग्नल एक पुरानी अमेरिकन बैटलशिप जिसका नाम एल्ड्रिज है, उसी के थे। वहीं रीड एयरफील्ड पहुंचता है, जहां अब एक आदमी उसे वहीं बैटलशिप दिखाता है, जो कि अचानक से यहां टेलीपोर्ट होकर आ गई। वहीं रीड भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो जल्दी से रीड बाकी डिपार्टमेंट को इसकी खबर करता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 की बैटलशिप है, जो कि काफी खतरनाक हो सकती है। वहीं शिप के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जहां सिर्फ एक सोल्जर ही जिंदा बचा था। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो फोन करके अपने सुपीरियर्स को बताने लगता है कि शायद से उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। लेकिन तभी वो पाता है कि ना तो उसका फोन मिल रहा है और उसके जूते भी अब शिप के साथ इन्फ्यूज हो गए हैं, जो कि काफी अजीब था। अब सोल्जर किसी तरह से जूतों से पैर निकालता है और बाकी शिप में जाकर देखने लगता है, मगर वो पाता है कि अब उसका पूरा क्रू शिप की मेटल की दीवारों के साथ इन्फ्यूज हो चुका है और सब के सब मारे गए हैं। सोल्जर समझ जाता है कि ये सब उनके एक्सपेरिमेंट के कारण ही हुआ है। वहीं कैथरीन और रिचर्ड अब उसी शिप एल्ड्रिज को देखने कैथरीन के प्राइवेट जेट से जाने लगते हैं, जहां रिचर्ड उस बैटलशिप के बारे में बताने लगता है कि कैसे ये शिप साल 1943 में अचानक से गायब हो गया था, जिसके बाद उसका और पूरे क्रू का कभी पता नहीं चल पाया। वहीं रनवे पर रीड मोली को फोन करके बताता है कि 1943 का वही शिप यहीं टेलीपोर्ट होकर आ गया है, जिसमें कभी मोली के ग्रैंडफादर भी मिसिंग हो गए थे। अब रीड शिप के पास जाने लगता है, वही अंदर सोल्जर पाता है कि अब पूरे शिप में पोर्टल्स बन गए हैं, जो कि उसे शिप से बाहर फेंक देते हैं। वहीं रीड भी बाहर से उन्हीं पोर्टल्स को टच करने लगता है और वो भी अब शिप के अंदर चला जाता है, जबकि मोली भागकर शिप तक आ चुकी थी और वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि पुलिस ऑफिसर रीड गलती से शिप के अंदर चला गया है। लेकिन अब पूरा ही शिप इलेक्ट्रोफाइड होने लगता है। वहीं रीड अंदर से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, मगर अब अचानक से पूरा ही शिप कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके साथ वही वर्कर भी टेलीपोर्ट हो गया था, जो कि शिप के कुछ ज्यादा ही करीब था। वहीं मोली अब रोते हुए रीड को बचाने के लिए जो कुछ यहाँ हुआ सब पुलिस को बताने लगती है। वहीं सोल्जर भागकर अब सिटी में आ गया था और चूंकि वो खुद साल 1943 से है, तो वो इस मॉडर्न शहर को देख हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अचानक से वो कहाँ आ गया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बदला हुआ फैशन, स्लिम स्मार्टफोन्स और बड़ी बड़ी LEDs, सोल्जर के लिए ये सब कुछ नया था। और यहाँ से वो न्यूज़पेपर में पाता है कि अभी साल 2012 चल रहा है, यानी कि वो अपने पूरे शिप के साथ टाइम ट्रेवल करके साल 2012 में आ गया है। अब सोल्जर उसी कॉफी शॉप में जाता है और पूछने लगता है कि क्या यहाँ आसपास कोई मैरी गार्डनर रहती है, जहाँ कॉफी ओनर जेनी उसे बताती है कि मैरी गार्डनर तो कब की मर चुकी है और यहाँ उनकी पोती मोली गार्डनर रहती है। अब ये सुनकर जल्दी से उसी एड्रेस पर जाने लगता है, जहाँ लीना जल्दी से मोली को फोन करके उसे सब बताती है कि कैसे एक सोल्जर उसकी दादी का एड्रेस पूछते हुए उस तक आया था। वहीं प्राइवेट जेट में रिचर्ड और कैथरीन पाते हैं कि वो बैटलशिप फिर से कहीं टेलीपोर्ट हो गया है और उनकी लैब की फेजिंग मशीन अब अचानक से खुद से ही शुरू हो रही है, यानी कि उनकी फेजिंग मशीन का उस शिप से कोई जरूर गहरा संबंध है। और तभी वही शिप अब शिकागो शहर के ऊपर अचानक से टेलीपोर्ट होकर आ गया था, जहां सब लोग डर जाते हैं कि अचानक से ये क्या हुआ। और फिर वो शिप एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर आकर फंस जाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग अब टूटकर गिरने लगती है। वहीं इसी शिप के अंदर रीड भी है, जिससे कि अब टेलीपोर्ट के बाद उसका हाथ शिप की दीवारों में इन्फ्यूज हो गया है और वो वहां से निकल नहीं पा रहा। वहीं सोल्जर पाता है कि शिप के साथ अब उसमें भी किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ गई है। वहीं फ्लाइट में कैथरीन पाती है कि अब वो शिप शिकागो में है, तो वो अपने जेट से वहीं जाने लगती है। जबकि मोली अब अपने घर आती है, जहां वो पाती है कि उसके घर पर पहले से वही सोल्जर मौजूद है। और यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सोल्जर खुद का नाम बिल गार्डनर बताता है और कहता है कि वो मोली का ग्रैंडफादर है, जिसे सुन मोली भी हैरान थी। यहां से बिल मोली से उसकी माँ और उसकी दादी के बारे में पूछने लगता है, जहां मोली बताती है कि दोनों ने ही अपनी पूरी लाइफ उन्हें यानी कि बिल को ढूंढने में लगा दी थी, जब वो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान गायब हुए थे और फिर समय के साथ वे बीमार होकर मारी गई। यानी कि बिल 70 साल पहले कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि टाइम ट्रेवल करके 2012 में आ गया। अब बिल बताता है कि 1943 में वे सब अपनी शिप को दुश्मन एरिया में ले जाने के लिए इनविजिबल करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और शायद से यही एक्सपेरिमेंट 2012 में भी हुआ, जिससे स्पेस टाइम में एक पोर्टल खुल गया और उनका शिप टाइम ट्रेवल करके 2012 में आ गया। अब बिल कहता है कि चूंकि उनका शिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उन्हें जल्दी से उसे फिर से उसके रियल टाइम में भेजना होगा, वरना वो बार बार टेलीपोर्ट होकर यहाँ इस समय काल में तबाही फैला देगा। तभी वे टीवी में पाते हैं कि अब वो शिप शिकागो की एक बड़ी बिल्डिंग पर फंसा हुआ है। वहीं मोली जानती है कि उसके अंदर रीड भी है। वहीं अब लैब में रिचर्ड यही बात कैथरीन को समझाने लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने आज किया है, वही सेम एक्सपेरिमेंट 1943 में भी किया गया था, जिससे कि वो बैटलशिप टेलीपोर्ट होकर उनके समय में आ गया है। वहीं फिर गवर्नमेंट ने अपने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से पल्ला झाड़ने के लिए इस केस को ही बंद कर दिया। और अब वे पाते हैं कि एक टेक्नीशियन बिल गार्डनर उस शिप से बाहर निकल गया है। अब मोली बिल के लिए आज के समय के कपड़े लाती है, जहां बिल पाता है कि ये कपड़े मोली के बॉयफ्रेंड रीड के हैं, जहां मोली उन्हें आज के समय के बारे में समझाने लगती है कि लड़का लड़की बिना शादी के भी लिव इन में रह सकते हैं, तो बिल को इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए और वो तो वैसे भी रीड से शादी करने ही वाली है। अभी मोली के पास किसी का फोन आता है और वो उन्हें कहता है कि बिल को उसके शिप के साथ फिर से समय में वापस भेजना होगा, वरना इसके काफी सारे बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें उसी जगह जाना होगा जहां उन्होंने 1943 में वो एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये फोन किसने किया ये हमें आगे पता चलेगा। तभी एक आदमी खुद को गवर्नमेंट का एजेंट कहकर बिल गार्डनर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मोली को उस पर शक था, सो बिल उस पर पीछे से अटैक करके और मोली की मदद से उसे बेहोश कर देता है। अब इस एजेंट को खुद कैथरीन ने भेजा था ताकि वे बिल को पकड़ सके, और उसने प्लान बनाया है कि वे इस शिप को मिलिट्री की मदद से नष्ट कर देंगे और फिर ये नई टेक्नोलॉजी जिसमें वे किसी भी चीज को समय में आगे या पीछे भेज सकते हैं, उस पर पूरी तरह से उसी का कंट्रोल रहेगा। हालांकि रिचर्ड उसे समझाने लगता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो शिप रेडियो एक्टिव हो चुका है और अगर उस पर बॉम्ब गिराया गया तो ब्लास्ट 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। वहीं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे शिप को उसकी रियल टाइम में वापिस भेज दें, मगर कैथरीन नहीं मानती
और मिलिट्री को शिप पर भेज देती है। तभी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उनकी फेजिंग मशीन काफी तेजी से काम कर रही है, यानी कि वो शिप फिर से कहीं और टेलीपोर्ट होने वाला है। रिचर्ड अब फिर से उसे समझाने लगता है कि अगर वे इस शिप को इसी समय में नष्ट करते हैं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और पूरा स्पेस टाइम बिखरने लगेगा। मगर कैथरीन सिर्फ अपना फायदा सोच रही थी। वहीं बिल अब मोली के साथ उसी लैब में जाने लगता है जहां 70 साल पहले उनके शिप पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। मगर अब उसके शरीर में रेडियो एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं शिप से रीड मोली को फोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसी बीच पूरा शिप अब फिर से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं मोली के पास रीड की मिस कॉल आती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। सो दोनों जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। वही लैब में रिचर्ड कैथरीन को लोकेशंस बता रहा था जहां वो शिप अब टेलीपोर्ट होकर जाने वाला है। वहीं कैथरीन कहती है कि अब मामला इंटरनेशनल हो चुका है, तो वे शिप के वहां पहुंचते ही उसे ब्लास्ट करवा देगी और उन्हें बिल को भी जान से मारना होगा ताकि आम पब्लिक में किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता न चले। हालांकि रिचर्ड इसके विरोध में है और वो नहीं चाहता है कि वे अपने फायदे के लिए यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक को नुकसान पहुंचाए। अब वो सीसीटीवी से पता लगा लेता है कि बिल और मोली कहां जा रहे हैं, तो वो बिना कैथरीन को बचाए उनकी मदद के लिए उसी लैब में जाने लगता है। वहीं बिल और मोली अब पुलिस से बचते हुए लैब जा ही रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोई नहीं चाहता कि वे शिप को वापिस से उसकी रियल टाइम में भेज दें। अब बिल अपनी रेडियो एक्टिविटी का फायदा उठाते हुए पुलिस का ध्यान भटकाकर एक वैन के जरिए चेक पोस्ट से निकल जाता है। वहीं शिप टेलीपोर्ट होकर अब एक डेजर्ट में पहुंच चुका था जहां कैथरीन के भेजे फाइटर प्लेन्स उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर शिप के आसपास एक अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी जो कि उसे बचा रही थी। जिस बीच सारे फाइटर प्लेन्स अब शिप की फोर्स फील्ड में आते ही ब्लास्ट होने लगते हैं। वहीं कैथरीन अब ये सुन काफी ही गुस्से में थी कि तभी फिर से वो शिप टेलीपोर्ट होकर अब इंग्लैंड के एक बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंच जाता है। वहीं मोली और बिल अब पुराने साइंस सेंटर पहुंच जाते हैं जहां मोली पुराने एक्सपेरिमेंट का सारा डेटा चुरा कर देखने लगती है कि कैसे वे उनके शिप को उसकी रियल टाइम में भेज सकते हैं। मगर वे पाते हैं कि कई साल पुरानी फेजिंग मशीन अब बंद पड़ चुकी है। तभी वहां रिचर्ड आता है जो कि उन्हें बताता है कि दरअसल उनकी लैब में एक नई फेजिंग मशीन है जिस पर एक्सपेरिमेंट करने के कारण ही ये शिप प्रेजेंट में आ गया है। सो उन्हें वहीं से शिप को पास्ट में भेजना होगा और यहां से मोली को आईडिया आता है कि चूंकि उनके पास फेजिंग मशीन है तो वे उस पूरे शिप को ही टेलीपोर्ट करके यहां लैब में ला सकते हैं और वे ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद बिल जल्दी से शिप में चला जाता है। वहीं कैथरीन ने अब तक पता लगा लिया था कि रिचर्ड उसे धोखा देकर पूरी शिप और बिल को फिर से पास्ट में भेज रहा है। तो वो अपने कई एजेंट्स के साथ अपनी लैब पहुंचती है और वो ऑर्डर देती है कि वे इस शिप को यहीं उड़ा दें। वहीं रिचर्ड उसे कहने लगता है कि कैथरीन को ये नहीं करना चाहिए वरना पूरे यूनिवर्स का स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बिगड़ सकता है। मगर कैथरीन कहती है कि वे इस इन्वेंशन से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए वो कोई भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेगी। और अब जब रिचर्ड नहीं मानता तो कैथरीन उसे गोली मारकर घायल कर देती है। वहीं शिप के अंदर बिल भागकर अपनी पावर से रीड को दीवार से फ्री करता है और कहता है कि उसे बाहर जाकर इस शिप को फिर से पास्ट में भेजना होगा। वहीं बाहर कैथरीन ने अब तक शिप को उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी कि तभी मोली आकर उसे गोली मार देती है और अब रिचर्ड उसे कहता है कि वो रीड के साथ यहाँ से निकल जाए और वो इस शिप को पास्ट में भेज देगा। और अब फिर से मशीन शुरू होते ही एक बड़ा पोर्टल ऊपर खुल जाता है जिससे कि पूरी बैटलशिप जिसके अंदर बिल भी है अब फिर से साल 1943 में जाने लगती है। वहीं मोली और रीड किसी तरह से आखिरी वक्त पर वहां से निकल जाते हैं और अब चूंकि शिप पास्ट में चला गया तो पूरी टाइमलाइन अब चेंज हो जाती है। जहां मोली घर आती है तो पाती है कि उसका घर अब काफी बदला हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है। वहीं अंदर उसके ग्रैंडफादर बिल मौजूद हैं जो कि समय के साथ बूढ़े हो गए हैं, यानी कि इस नई टाइमलाइन में वे कभी 1943 में गायब हुए ही नहीं और अब समय के साथ धीरे धीरे बूढ़े हो गए। वहीं 1943 के बाद वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया गया जिसके कारण प्रेजेंट में कैथरीन को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं और अब पृथ्वी पूरी तरह से सेफ है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही लेटेस्ट टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।